अब बिहार में 10वीं तक के सारी कक्षाएं खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के कारण शिक्षण संस्थान बंद पड़े थे, उन्हें क्रमवार खोलने के क्रम में बीते 12 जुलाई से 10वीं से ऊपर के शिक्षण संस्थानों में कोरोना गाइडलाइन के शर्तों का पालन करते हुए पढ़ाई जारी है। अब राज्य में बंद पड़े 10वीं तक के स्कूलों को खोलने की भी उम्मीद है। इस पर बुधवार को पटना में हो रही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 10 अगस्त तक 10वीं तक के स्कूल कोरोना से बचाव की गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही कहा है कि 10वीं तक के सभी स्कूल अगस्त के दूसरे सप्ताह में खुल जाएंगे। वे पहले ही कह चुके हैं कि इससे पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बताया है कि शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को देखते हुए फैसला करेगा। जब आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हो रही है तो इस बैठक के बाद निचली कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। स्कूलों को बंद करने का फैसला भी आपदा प्रबंधन समूह की 3 अप्रैल को हुई बैठक में ही लिया गया था। इसके तहत सरकार ने 5 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। अब स्कूलों को क्रमवार खोले जाने के दौरान 10वीं तक के स्कूलों को संभावित गाइडलाइन क्या हो सकती है, इस पर नज़र डालना होगा। हो सकता है कि स्कूलों में 50% छात्र छात्राओं को ही दिया जाएगा प्रवेश। अधिक नामांकन वाले स्कूलों का 2 पालियों में होगा संचालन। आगमन और प्रस्थान के समय खोलकर रखने होंगे स्कूल गेट। आने जाने के लिए होंगे अलग अलग गेट। स्कूलों के मुख्य द्वार पर होगी छात्र छात्राओं और स्कूल कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग। स्कूलों में बगैर मास्क नहीं दिया जाएगा प्रवेश। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। कक्षाओं में रखनी होगी कम से कम 6 फीट की दूरी। शिक्षकों व कर्मचारी पर भी लागू हुआ है अनुमान। कोरोना वायरस की वैक्सीन ले चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रवेश मिलेगा। मुख्य द्वार से लेकर कक्षाओं व स्टाफ रूम तक हर जगह रखना होगा हैंड सैनिटाइजर। स्कूलों में कोई समारोह का आयोजन नहीं होगा। तो ये तमाम गाइडलाइन जो हैं इन्हीं के तहत स्कूल खोलने की तैयारी हो सकती है। तो फिलहाल बैठक के बाद क्या निर्णय होता है इस पर नज़र बनाए रहें, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।